हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर न्यू टॉपिक इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सो व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? देखो, पहले तो मैं आपको समझाती हूँ। अब देखो, दिस इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में दो ट्राइंगल है ना, तो हम अगर ये एक ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहे तो पैरेललोग्राम को आधा कर दे तो ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। तो बस यही करना है। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन हाफ, मतलब आधा करना है किसको? पैरेललोग्राम के एरिया को। पैरेललोग्राम का एरिया क्या है? बेस इनटू हाइट। तो ये जो इक्वेशन बन गया, दैट इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बस तो यही इक्वेशन याद रखना है ट्राइंगल के एरिया के लिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 11.1। सी, अब यहाँ पे ट्राइंगल्स दिए हैं, बराबर। यहाँ ये आपने कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे ट्राइंगल्स दिए और उसके बेस और हाइट भी दिए हैं। तो ये वैल्यू रखेंगे और ये इक्वेशन में उसको रखने के बाद उसकी वैल्यू आंसर फाइंड करेंगे। सो क्वेश्चन टू, उसका ए क्या लिखोगे? आप लोग ड्रॉ भी करोगे, जैसे मैंने आगे बताया था, ये वाला ट्राइंगल आप ड्रॉ करोगे, फर्स्ट वाला। कैन यू सी ना, ये ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, फिर नीचे लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन हाफ इंटू बी इंटू एच। अब वन हाफ इंटू बी, बी कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। तो इसको कट ऑफ करो, 2 2 4 और 2 × 3 = 6। क्या एरिया आया ना, इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमने क्या फाइंड किया? एरिया फाइंड किया, इसलिए स्क्वायर वर्ड लगाएंगे। चलो, उसके बाद बी करोगे, ठीक है। अब बी में देखो, पॉइंट वाला इसलिए मैं समझा देती हूँ, फिर सी और डी अपने आप करोगे आप लोग। तो बी में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन हाफ इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू वन हाफ इंटू बी कितना है यहाँ पे? बेस 5 और हाइट 3.2 सेकंड वाले ट्राइंगल में। तो अब इसकी वैल्यू रखो। अब देखो क्या करना है, पॉइंट जो है ना उसको मैं हटा के 32/10 रख देती हूँ, बराबर। डेसिमल चैप्टर में आपने सब सीखा है। अब इसको कट ऑफ करो, तो ये कट हो के हो जाएगा 16 और 5 × 2 = 10 और 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 8। तो 8 square centimeter, ओके। इस तरह से आप लोग थर्ड और फोर्थ वाला ट्राइंगल भी ड्रॉ भी करोगे और इस तरह से इक्वेशन लिख के उसकी वैल्यू फाइंड करोगे। सो क्वेश्चन टू पूरा कर लोगे आप लोग अपने आप। और क्वेश्चन थ्री देखो, मैं थोड़ा सिखा देती हूँ। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। अब यहाँ क्वेश्चन थ्री में ना टेबल दिया है, बराबर। तो टेबल को कुछ वैल्यूज दी है टेबल में और कुछ वैल्यू मिसिंग है जो हमको फाइंड करनी है। तो फाइंड द मिसिंग वैल्यूज में बेस हाइट एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दिया है। तो बेस, फिर हाइट एंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट वाले में बेस दिया है 20, हाइट मिसिंग है और एरिया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कैसे पता चलेगा? तो इसमें भी हम इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो देखो, उस दिन मैंने सिखाया था ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी इंटू एच, मतलब बेस इंटू हाइट। अब एरिया दे दिया है तो हम इधर साइड एरिया का, एरिया के वैल्यू यहाँ रख देते हैं ना, एरिया के साइड। और इज इक्वल टू बेस दिया है 20 और एच नहीं दिया है, एच फाइंड करना है, तो हम एच ऐसे ही रख देंगे, एच करके।
अब इक्वेशन में जैसे सिखा था वो चैप्टर में, वैसे एच ढूंढना है ना, तो 20 को नीचे डिवाइड में ला दो, 246 अपॉन 20 कर दो, तो बाकी एच रह जाएगा। और इसको कट ऑफ करोगे, जीरो मतलब डिवाइड करोगे, और जो आंसर आएगा वो होगा तुम्हारा एरिया। ओके, अरे सॉरी, एरिया क्या, हाइट। तो एच इज इक्वल टू 12.3, बराबर, पॉइंट में डिवीजन आप लोगों को आते हैं, तो इस तरह से आपका ये आंसर आएगा। फिर सेकंड करोगे, थर्ड करोगे, और सारे। अब देखो, सेकंड में हाइट दी है और बेस ढूंढना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेथड वही है, हो जाएगी। क्या हो जाएगा, जैसे ये ए है और ये बी है, अब यहाँ पे जो बेस है वो मिसिंग है और हाइट है 15 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो कितना दिया है, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर से वही इक्वेशन डालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी इंटू एच। अब एरिया क्या दिया है, ये वाला 154.5 इज इक्वल टू, बेस नहीं दिया है तो बेस का बी लिख देंगे, और एच दिया है तो एच की वैल्यू रखेंगे। ओके, अब 15 को सामने डिवाइड में भेज देते हैं, तो 154.5 अपॉन 50 इज इक्वल टू, बाकी जो बचेगा वो बेस होगा। अब ये वाला डिवीजन भी आता है ना आपको, 154.5 करोगे और डिवाइड बाय 15 करोगे, तो 15 वन 15, 0, ऊपर से 4 लाए, कम पड़ा इसलिए 0 रखा, फिर पॉइंट आ गया तो पॉइंट को ऊपर भेज दो और फिर 5 को नीचे ला दो। अब 15 3 45, 0, जो ऊपर जो आया, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 10.3 सेंटीमीटर, बराबर। तो इस तरह से पॉइंट वाला डिवीजन भी आना चाहिए, ठीक है। और थर्ड में ना दोनों में पॉइंट दिया है बेटा, आता है आपको थर्ड वाला। देखो मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी इंटू एच। अब एरिया क्या दिया है थर्ड में, 48.72, बेस ढूंढना है और एच दिया है 8.4। अब हुआ क्या, ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, देखो तो मैं आपको एक बार सिखा दूँ। अब 48.72 अपॉन 8.4 करेंगे तो बी मिलेगा, पर ये करोगे कैसे, अब डायरेक्ट डिवीजन नहीं कर पाओगे, जैसे यहाँ सेकंड में किया, क्यों, सेकंड में तो 15 था इसलिए हमने बाहर डिवीजन लिख दिया, लेकिन 8.4 हम बाहर नहीं रख सकते, 8.4 का टेबल थोड़ी आप लोगों को आता है, 15 का टेबल तो आता था इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया, 8.4 का टेबल तो कभी सीखा नहीं है ना आप लोगों ने, तो क्या करना है, देखो इसकी अलग थोड़ी मेथड कर सकते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, चलो दोनों का पॉइंट हटा देते हैं, इसके पॉइंट के बाद दो नंबर थे ना तो हमने 100 लिख दिया, ठीक है। और जो नीचे 84 आना चाहिए या मल्टीप्लाई कर देने का, ध्यान से करना बेटा, 84 पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट थी इसलिए 10, ठीक है। तो इस तरह से आपका सिंपल फॉर्म बन गया, अब आप लोग कर सकते हो, बराबर, 00 एक काट दो और इसको इससे डिवाइड करो, और फिर जो बचे उसमें से एक स्टेप आगे आप लोग पॉइंट काट दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5.1। वो आप लोग खुद करना, ये भी करना और नंबर 4 भी करना, ये भी इसी जैसा, इसके जैसा ही, बराबर। तो ये था अप टू क्वेश्चन नंबर 3। अब तो आप लोग स्कूल में आओगे तो क्वेश्चन 4 तो मैं आपको स्कूल में सिखाऊंगी,
तब तक के लिए बाय।